हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 84 क्वेश्चन हो गए, आज 85 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है VXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट ए प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं जो कि फेस वैल्यू है ₹10 बट ₹8 प्रीमियम है, तो टोटल ₹18 इशूड प्राइस हो गया, याद रखना। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, और अमाउंट कैसे कॉल कर रही है वो लिखा हुआ है। ऑन एप्लीकेशन ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3, ऑन फर्स्ट कॉल 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, और बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो टोटल बैलेंस कितना बचेगा, टोटल कर लो आप, 18 कॉल करना है, ₹15 कॉल कर चुके, जिसमें ₹3 का बैलेंस रह गया, 18 माइनस 15, और जो 3 है उसमें प्रीमियम भी चेक करो, 3 में प्रीमियम ₹2 का होगा, क्यों अभी तक खाली ₹6 प्रीमियम कॉल किया था। आगे देखते हैं, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, इशू जो है फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। गोपाल शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एक शेयर होल्डर है गोपाल जिसके 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट मनी फेल कर दी। एंड माधव होल्डर ऑफ 400 शेयर पेड इज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, एंटायर का मतलब जो आगे की मनी, एडवांस मनी यानी कि दे रहे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को अलॉटमेंट पर ही दे रहे, उसको बोलते हैं एंटायर का मतलब जो उसकी बची हुई मनी है, ऐसे समझ लो। गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, गोपाल के शेयर तो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, उसके बाद फर्स्ट कॉल बनी। कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, एक और नया थर्ड शेयर होल्डर आ गया कृष्णा, उसके 100 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल मनी फेल करी। एंड गिरधर होल्डर ऑफ 300 शेयर, एक फोर्थ शेयर होल्डर आ गया गिरधर, पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल, भी एडवांस मनी पे कर रहा है फर्स्ट कॉल पर ही सेकंड कॉल की मनी को। कृष्णा शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, दो बार फॉरफीचर हो रहा है, एक बार अलॉटमेंट के बाद, एक बार फर्स्ट कॉल के बाद, दोनों के लिए कॉल्ड अप का केस बनेगा, फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, याद रख लेना, अभी जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड द ड्यूली रिसीव्ड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल बनाई जो सारी मिल गई। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट ₹9 पर शेयर, सारे शेयर 9 में रीइशू कर दिए, फुली पेड अप, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करनी है, कैसे करते हैं अब देखो। देखो ये समरी बना लो, नंबर ऑफ शेयर कितने दे रखे हैं 50,000, बता रखा है कि कितने का है ₹10 का है जो कि ₹8 प्रीमियम पर है, तो टोटल 18 हो गया, 18 की 4 इंस्टॉलमेंट बनाई, ₹4 की एप्लीकेशन है, ₹6 की अलॉटमेंट है और ₹5 की फर्स्ट कॉल, टोटल यहां तक 15 है, कहता है बैलेंस यहाँ है तो बैलेंस 3 बच गया, और 3 में प्रीमियम हमने 2 कैसे लिख दिया वो भी समझ लो, प्रीमियम का अमाउंट कितना है ₹8, कितना प्रीमियम कॉल कर चुके अभी तक ₹6, तो ₹2 किस में मिलेगा हमें फाइनल कॉल में, यहां तक तो क्लियर हुआ, ये तो इंस्टॉलमेंट बन गई। अब ये चारों शेयर होल्डर लिख लिए, ये जो हमने ब्लू से लिखे हैं ये फेलियर है और जो ब्लैक्स हैं उनके एडवांस मनी है। गोपाल के पास 200 शेयर है, अलॉटमेंट मनी फेल करी, हिज शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, क्लियर मेंशन है, तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर की एंट्री आएगी। माधव एक शेयर होल्डर है 400 शेयर का, जिसने अलॉटमेंट पर एंटायर मनी पे करी, एंटायर का मतलब सारी मनी आगे की पे कर दी, यानी कि दोनों एडवांस लिए उसने अलॉटमेंट पर। थर्ड पे चलो कृष्णा है जिसके 100 शेयर हैं, वो क्या करता है फेल करता है आपको फर्स्ट कॉल मनी, और उसके फर्स्ट कॉल पर ही कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, ये भी मेंशन है कि आफ्टर फर्स्ट कॉल ही फॉरफिट किया, फाइनल के बाद नहीं किया, कॉल्ड अप का केस बनेगा। गिरधर एक और शेयर होल्डर है, कॉल्ड अप किसको बोलते हैं, जब हम शेयर कैपिटल में पूरे 10 नहीं लिखेंगे, जितनी कॉल करी है शेयर कैपिटल उतना पार्ट लिखते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, फुल्ली कॉल्ड नहीं है ये। गिरधर एक और शेयर होल्डर है 300, वो फर्स्ट कॉल के ऊपर सेकंड मनी का एडवांस पे करता है, जैसे ये एडवांस दे रहा था माधव, ऐसे ही आपको गिरधर भी एडवांस दे रहा है, दोनों शेयर को फॉरफिट कर लिया है और उसके बाद रीइशू करा 9 पर शेयर में, कैसे करते हैं देखते जाओ। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे आ जाओ, एप्लीकेशन पे एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट कैसे लिखेंगे अच्छी तरह से नोट कर लो, नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 50,000, जितनी मनी आई है, कितनी मनी आई है ₹4 एप्लीकेशन की, 4 से मल्टीप्लाई करो, करो विद प्रीमियम आएगा अमाउंट, याद रख लो, लिख दो ये, या इसकी नरेशन बना दो, लिख दो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब करते हैं सेकेंड एंट्री, जो शेयर कैपिटल में इस मनी को ट्रांसफर करेंगे, लिखो सेकेंड एंट्री क्या थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू करो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, पहले एंट्री लिख ले फिर अमाउंट लिखते हैं,
अब ये देखो इसमें अमाउंट कैसे आएगा, बहुत ध्यान से देखते चलना, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम है। याद करो कितना प्रीमियम है, टोटल 4 रुपी कॉल कर रखा है, 2 रुपी तो प्रीमियम का पार्ट है और 2 रुपी शेयर कैपिटल का पार्ट है। एप्लीकेशन में तो पूरे 2 लाख ही आएंगे, याद करो 50,000 × 4 करो, ये रहा, ये तो 2 लाख आएगा। इनमें कैसे अमाउंट आएगा नोट करो, 50,000 × 2 रुपी, और प्रीमियम कितना था इसमें क्लियर मेंशन है, 2 रुपी प्रीमियम है, तो बचा हुआ क्या हो गया, शेयर कैपिटल का पार्ट है। 4 रुपी कॉल किया, 2+2 ऐसे समझ लो, 2 रुपी शेयर कैपिटल में लिखो, 2 रुपी प्रीमियम में लिख दो, ये तो 1 लाख हो गया, ये भी 1 लाख हो गया। यहां तक क्लियर हो रहा है? और अब इसकी नरेशन बना दो, एप्लीकेशन मनी लिख दो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो भैया अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं, इन्हीं से बनती है, ध्यान रख लेना। बैंक वाली 2nd नंबर पे आ जाएगी अलॉटमेंट पे, और ये वाली 1st नंबर पे, नेम चेंज होगा बस, ये एप्लीकेशन की जगह वर्ड हट जाएगा अलॉटमेंट। देखो अभी दिखाता हूं आपको, यहां लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहां करो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देख रहे हो हमने क्या किया है, खाली नेम चेंज किया है बस, ये पूरी एंट्री में, ये रहा एप्लीकेशन की जगह इंस्टॉलमेंट का नेम चेंज कर दो, अलॉटमेंट लिख दो, और 2 कर दो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट चेक करो बहुत अच्छी तरह से, देखना अब यहां अमाउंट कितना आएगा, कितना दे रखा है 6 रुपी, जिसमें 3 रुपी तो प्रीमियम है, ये एंट्री तो 6 से आएगी, 50,000 × 6, ये जो ब्लू से मैं मल्टीप्लाई करता हूं आपने एग्जाम में नहीं लिखना, याद रख लो अपने रफ में लिखना है, यहां नहीं लिखना ऐसे करके, तो आपको समझाने के लिए बस। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितना पार्ट है, 3 रुपी तो प्रीमियम का पार्ट है, क्लियर बता रहे हैं, तो 3 रुपी शेयर कैपिटल हो गया, कितना बन गया 1,50,000, लिख दो 1,50,000। और अब इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर। अब जरा इस एंट्री को ध्यान से देखना जो रिसीव्ड की है, क्यों यहां पर 2 वर्क हो रहे हैं, गोपाल तो फेल करता है और जो माधव है वो क्या करता है, एडवांस पे करता है। जरा एंट्री देखो क्या होगी, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, अभी बैंक में अमाउंट नहीं लिखेंगे, और 2 करो यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, में तो वैल्यू लिख दो जितनी थी, कितनी दे रखी है 3 लाख रुपए, लिखो 3 लाख, क्लियर है ये तो पता है। और 2 करो यहां पर कॉल्स इन एडवांस जो मिल गया आपको, माधव से मिला है, मैं ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूं किसका लिख रहे हो, ये माधव का, ये लो। और यहां पर लिखो कॉल्स इन एरियर, फेल भी कर रहा है इसी पर, दोनों वर्क एक ही साथ हो रहे हैं। अब अमाउंट कैसे लिखा जाएगा वो अच्छी तरह से देखते चलना, ये देखो ये तो लिख दिया आपने, पहले तो बात करो ये रहा गोपाल की, गोपाल के कितने शेयर हैं, 200 है, 200 ने कितना फेल कर दिया 6 रुपी, कितना बन जाएगा इसमें तो लिख दो 200 × 6 करो 1200 रुपी, यहां तक समझ आ रहा है। ये तो फेल है, कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करा है ना भी करो तो डायरेक्ट इसमें से माइनस करते हो, लिख देना 2,98,800, तब हम ये नहीं करते, हमने क्वेश्चन में कॉल सिनेरियर ओपन कर रखा है। आओ कॉल सिन एडवांस पे, कॉल सिन एडवांस पे क्या है माधव, 400 शेयर है, कौन सा एडवांस है, नेक्स्ट आगे का अलॉटमेंट पर दे रहा है एडवांस, एंटायर मनी, एंटायर का मतलब आगे की कितनी मनी बनती है 8 रुपी पर शेयर, और 400 के हिसाब से कितने बन जाएंगे उसके 3200, लिख दो 400 × 8, ये 3200 उसके एडवांस आ गए, नोट कर लो ये रहा। अब लिखेंगे बैंक में, बैंक में क्या करेंगे, क्रेडिट का सम करो, 1200 इसमें से माइनस करो, लिख दो यहां पर 3,02,000, ये चीज समझ आ गई, ये कहां से आया, बैंक में पहले नहीं लिखना ध्यान रख लो, समझ आ गया कहां से आया 3,02,000, नीचे का सम कर लो कितना बन गया 3,03,200, और माइनस कर दो 1200 जो मिला नहीं, ये रहा तो 3,02,000, क्लियर हो गया ये। इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर, और ये भी लिख दो एंड कॉल्स इन एडवांस ऑफ 400 शेयर, ये तो बन गई अभी अलॉटमेंट तक की नोट करो। अच्छा ये चीज भी याद रखोगे, ये जो 3200 एडवांस आए हैं जिसमें माधव के एडवांस आ गए, अब वो फर्स्ट कॉल पे नहीं करेगा, कितना पे नहीं करेगा जो उसकी बनती है, 5 × 4 करो 2,000 रुपी तो उससे फर्स्ट कॉल पे नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी आ गए, और 400 × 3 करो 1200 उसके फाइनल कॉल के भी एडवांस आ गए। अब करते हैं पहले तो करते हैं इसको फॉरफिट, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है गोपाल ने फेल किया और उसके शेयर को फॉरफिट किया, पहले फॉरफिट करेंगे फिर फर्स्ट कॉल बनाएंगे। अब करते हैं फॉरफिट, अलॉटमेंट तो बन गई, इसको फॉरफिट करना गोपाल को, क्लियर मेंशन है कि आफ्टर अलॉटमेंट ही फॉरफिट कर लिया, कॉल्ड अप का केस बनता, देखो कैसे करूंगा, बहुत ध्यान से देखते चलना। लिखो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब फॉरफिट करते हैं शेयर कैपिटल डेबिट होगा, जब शेयर देंगे तो क्रेडिट होगा, याद रख लो। अच्छा क्योंकि प्रीमियम भी फेल हो गए, 2 प्रीमियम थे याद करो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 2 में से 1 तो फेल कर दिया, वो अमाउंट आएगा यहां, दोनों प्रीमियम नहीं आएंगे, लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
और जो रिसीव्ड हुआ वो लिखो, यहाँ लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, एक बार एंट्री लिख ले, उसके बाद अमाउंट बताता हूँ इसमें कैसे आएगा। और टू करो जो इंस्टॉलमेंट फेल हुई है उसकी जगह नाम हमने खोल दिया था कॉल सीन एरियर, याद रख लो, अच्छी तरह से नोट करना है, गलती मत कर देना। हमने जब अलॉटमेंट बनाई तो वहां कॉल सीन एरियर ओपन करा था, तो फॉरफिट के टाइम पर ही कॉल सीन एरियर आएगा। अब पूरे क्वेश्चन में जहां पर फेल होगा हर जगह कॉल सीन एरियर लिखा जाएगा, तो ये अच्छी तरह से नोट करो, या तो विदाउट कॉल सीन एरियर करो, फिर तो कॉल सीन एरियर कहीं लिखते ही नहीं। लेकिन यदि आपने कॉल सीन एरियर अकाउंट ओपन करा जब उसने फेल करा था अलॉटमेंट पे, तो फॉरफिट के टाइम पर भी आएगा। ऐसे ही अब जब फर्स्ट कॉल बनाएंगे वहां भी कोई फेल करेगा तो कॉल सीन एरियर ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर कॉल सीन एरियर लिख दो, कहीं पर कुछ और लिख दो। अमाउंट कैसे आएगा आप अच्छी तरह से नोट करो, या बहुत ध्यान से देखते जाओ। सारी कॉल के बाद फॉरफिट नहीं कर रहे हम, उससे पहले फॉरफिट कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं नोट करो, पहले तो शेयर की बात करो, शेयर कितने दे रखे हैं 200, किससे मल्टीप्लाई होगा बहुत ध्यान से देखना ये पॉइंट कैसे है। हमने उससे टोटल कॉल किया कितना, 10 रुपी, 10 रुपी में 5 रुपी तो प्रीमियम का पार्ट है और 5 रुपी क्या है शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो कॉल डॉप वैल्यू कितनी बन गई इनके लिए 5 रुपी, 10 नहीं रहेगी इनकी, क्योंकि यहां पर ही कॉल यहीं पर फॉरफिट हो रहा है। जहां तक कॉल करेंगे उसको बोलते हैं कॉल डॉप वैल्यू, उसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम हटा दो, तो कितने रुपए आ गए 5 रुपी, ये तो बन गया 1000। बहुत अच्छे तरीके से देखना आप, ये एंट्री भी देखना आप, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर कौन सा शो करते हैं जो फेल हो जाए, याद रख लो दो प्रीमियम थे, एक तो 2 रुपी का और एक 3 रुपी का, 2 का तो पे हो गया वो तो इग्नोर, और 3 रुपी का उसने फेल किया वो शो करो। लिखो यहां पर 3 कितना आ गया 600, यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा फोर फीचर में कितना आएगा वो भी पॉइंट है। नंबर ऑफ शेयर तो 200 है तो लिखना तो 2 ही है। पे क्या किया उसने, बस एप्लीकेशन कितने की दे रखी है 4 रुपी की, और क्या कंडीशन है, यदि प्रीमियम मिल जाएगा तो इग्नोर होगा, तो प्रीमियम 2 रुपी मिल गया तो कितना माना जाएगा 2 रुपी। लिखो यार 2 रुपी, 400 हो गया। ये चीज समझ आ गई। अब कॉल सीन एरियर वो तो प्लेन है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट फेल करी है, तो अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 6 रुपी की अलॉटमेंट है, ये बन गई। यहां तक समझ आ गया। अब इसकी नरेशन बना दो, लिखो 200 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब करते हैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, वो ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री देखो क्या बनती थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी, ये भी याद रख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां लिखते हैं वो भी कंडीशन बताता हूं, जहां पर कैपिटल वर्ड होगा उसके साथ जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा। ये देखो अभी फॉरफिट करा आपने तो शेयर कैपिटल था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी किधर आया, कैपिटल के साथ ही। यहां पर कैपिटल कहां लिखा है क्रेडिट, तो क्रेडिट के साथ आएगा, ऐसे याद रख लेना। बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा जो बैंक की एंट्री बनती है। इसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे वो बहुत ध्यान से लिखो। टोटल थे हमारे पास 50,000 नोट करो शेयर जो हमने ऑफर कर रखे हैं ये, उसमें से 200 तो फॉरफिट ही कर लाए, तो उनकी तो मेंबरशिप ही कैंसिल हो गई, उनसे तो कॉल होगा ही नहीं। 200 हटाओ, कितने बच गए जिनसे अब आपको अमाउंट मिलेगा 49,800, उनसे बनेगी फर्स्ट कॉल, ध्यान रख लो। लिखो यहां पर 49,800 और इनटू कर दो 5, करोगे तो 2,49,000 आ जाएगा। ये तो ये लिखो 49,800 और इनटू करो कितना अमाउंट है, नोट करो ये रहा फर्स्ट कॉल के ऊपर 1 रुपी का प्रीमियम दिखा रहा है और 4 रुपी की ये है, तो ये तो 4 से मल्टीप्लाई, और 49,800 और इनटू कर दो 1, तो 49,80 बनेगा, ये लिख लो। अब इसको इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा, ऐसे 2 लाख बना, 2 में से आपके 8 हटा दो, 1,99,200 आएगा। ये क्लियर हो गया, ये तो बन गई हमारी ड्यू की एंट्री, याद रख लेना। अब यहां पर इसकी नरेशन बना दो, लिख दो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 49,800 शेयर। अब करते हैं रिसीव्ड की एंट्री, उसको बहुत ही ध्यान से देखना रिसीव्ड वाली एंट्री। पहले लिख लो आप यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा इसमें भी फेल है, क्या फेल है, ये वाला शेयर होल्डर तो फेल करता है और ये एडवांस पे करता है, तो कैसे करेंगे देखते जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट, और थोड़ा भी स्पेस छोड़ दो, बताता हूँ किस चीज के लिए। 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 करो यहाँ पर आप जो है 2 कॉल सीन एडवांस, जो एडवांस आई है, अब किसकी एडवांस आई है, इसने एडवांस दी है गिरधर ने, अच्छा 2 एडवांस है, एक एडवांस तो जो आपको आई थी याद करो जब हमने अलॉटमेंट बनाई 3200 एडवांस आया हुआ था, किसका एडवांस आया था, माधव का, जो कि एडजस्ट होगा। जब मिलता है तो कॉल सीन एडवांस को क्रेडिट करते हैं, और जब उसको एडजस्ट करेंगे तो डेबिट, तो डेबिट में एक और बनाओ कॉल सीन एडवांस अकाउंट, ये किसका आएगा ये भी याद रख लो, ये माधव का है, मैं लिख भी देता हूं आपको, और ये वाला कॉल सीन एडवांस किसका आएगा, गिरधर का, लिख लो दोनों के अलग अलग आएंगे। अमाउंट कैसे आएंगे अब जरा वो नोट करो, यहां पर
ये देखो बैंक में अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे, जरा बारीकी से समझना। कॉल सिनेरियर की बात करो, कौन फेल कर गया? कृष्णा। कृष्णा के कितने शेयर हैं? 100 ईयर ये लिखा हुआ। और क्या अमाउंट था फर्स्ट कॉल का? 5 तो आपको मिलना ही नहीं, ये तो ये माइनस करो। क्लियर है? फर्स्ट कॉल के अंदर तो अमाउंट लिख दो जो आपका था 2,40,000 मिलना चाहिए था, ये लिख लो पहले। क्लियर है? माधव की बात करो, माधव के एडवांस आए, कैसे एडवांस आए ये रे? माधव ने क्या कर रखा था? अलॉटमेंट पे ही सारे पैसे दे रखे थे, तो फर्स्ट कॉल पे तो उसके मिलेंगे नहीं, एडजस्ट करने होंगे, वो शो करने होते हैं, याद रख लो, डेबिट में कॉल सिन एडवांस करके। जब मिलते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जैसे अब देखो गिरधर से मिले तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि इन्होंने फाइनल कॉल एडवांस दे रखी है। जब इसको एडजस्ट किया जाएगा तो डेबिट किया जाएगा अगले इंस्टॉलमेंट पे। तो पहले तो माधव की बात करो, माधव के कितने आ गए? 2000 रुपी मिलेंगे नहीं, ध्यान रख लेना। क्लियर है ये? अच्छा, इसके एडवांस मिल गए आपको, कैसे मिल गए? ये लिखा हुआ है इसके कितने शेयर है? 300। कितना एडवांस दे रहा है ये? 3 के हिसाब से 900, वो 900 यहां दिखा दो। अब ये बैंक में कैसे आएगा वो चेक करो। ये लो, ये देखो, ये दोनों तो टोटल क्रेडिट के हुए, यानी कि हमने मांगे थे 249, ऐसे समझ लो। ये लो, आपको और तरीके से समझाता हूं, 249 है जिसमें 900 एक्स्ट्रा आ गया आपके पास क्योंकि एडवांस दे गया कोई, और ये दो अमाउंट आपको मिले नहीं, तो इन दोनों को माइनस कर दो। कितना कितना? 500 भी माइनस करो, 2000 भी माइनस करो। इसको इसमें माइनस करोगे तो 247,400 आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये बहुत अच्छी एंट्री में से थी। अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर एंड कॉल्स इन एडवांस ऑफ 300 शेयर। ये तो बन गई अभी फर्स्ट कॉल तक। अब इनको फॉरफिट करना है जिन्होंने फेल किया। किसने फेल कर रखा है? ये रहा कृष्णा ने, पहले तो उसकी बनेगी, उसके बाद फाइनल कॉल बनेगी, फिर रीइशू होगी। क्या लिखेंगे नोट करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखो। मैंने आपको बताया जब भी फॉरफीचर होगा शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, जब हम शेयर अलॉट करते हैं इशू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी फेल है। कौन सा फेल है नोट करो, क्या चीज फेल करी है कृष्णा ने? फर्स्ट कॉल, तो ये वाला प्रीमियम फेल कर गया 1 रुपी, वो शो होगा यहाँ। लिखो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड जो मनी उससे रिसीव्ड हुई, और 2 करो यहाँ पर कॉल सिनेरियर लिखना। याद रख लो हर जगह आप कॉल सिनेरियर ही लिखना है क्यों हमने कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन कर रखा है। या तो विदाउट कॉल सिनेरियर के करेंगे तब तो मेंशन कर देंगे या उसका नेम जो फेल उसने करी ना। आपने कॉल सिनेरियर ओपन कर रखा है तो पूरे क्वेश्चन में कॉल सिनेरियर ही चलेगा। अब यहाँ देखो कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कॉल्ड अप का केस बनेगा। ये भी क्यों बनेगा? कॉल्ड अप किसको बोलते हैं? जहां तक उससे कॉल किया, विदाउट प्रीमियम तो आएगा शेयर कैपिटल में। आपने यहां से पहले ही फॉरफिट कर लिया, कितना कॉल कर रखा है? 15 रुपी। 15 रुपी में नोट करो 6 रुपी तो प्रीमियम है, तो 9 रुपी शेयर कैपिटल का पार्ट है, लिखो 9। यहां से भी पता चल सकता है फाइनल कॉल कितने की नहीं मांग रहे उससे, 1 रुपी की, क्योंकि इसमें 3 रुपी की फाइनल कॉल है जिसमें 2 रुपी प्रीमियम है, तो 1 रुपी शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो शेयर कैपिटल 1 रुपी की कॉल नहीं करी तो 9 कॉल करे। आप ऐसे चेक कर लो या ऐसे कर लो, दोनों से ठीक है। कितना आ गया? 900, याद करो। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या लिखते हैं? जो फेल्ड है याद रखो, जो रिसीव्ड है वो इग्नोर हुआ। 3 प्रीमियम कॉल करे उनसे, कौन कौन से? 2 रुपी, 3 रुपी, 1 रुपी। 5 रुपी के तो प्रीमियम पे कर गया तो वो तो इग्नोर होंगे। कौन से वाला फेल करा है? फर्स्ट कॉल का 1 रुपी। 1 रुपी लिखो यहाँ, 100 into एक एक स्टेप समझ के चलो, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रख लेना। अब जरा शेयर फॉरफिटेड ध्यान से देखना, 100 लिखो, और जो मनी उसने दी, क्या दी है उसने? 2 चीजें दी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10 रुपी दे दिया, और 10 रुपी में जरा अच्छी तरह से नोट करना प्रीमियम कितना रिसीव हो गया? 5, तो वो तो इग्नोर होगा, तो कितना माना जाएगा? 5। लिखो यहां पर 5, लिख दो 500। यहां तक समझ आ गया? अब जरा फर्स्ट कॉल सिनेरियर, जो फेल करता है, क्या फेल करता है? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल लिखो, कितने की फेल करता है? जितने की टुगेदर विद प्रीमियम आएगा, कहीं प्रीमियम हटाओ, प्रीमियम को इग्नोर तो यहां सोचते हैं जब फॉरफिट करते हैं कि शो करें, या फेल करेगा तो टोटल अमाउंट आएगा। ये तो बन गई फॉरफीचर की। अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिखो 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। अच्छा, ये तो बन गई फॉरफिट की। अब करते हैं फाइनल कॉल बनाने की। अब फाइनल कॉल बनाओ, फाइनल कॉल कैसे बनेगी? पहले तो ड्यू की एंट्री लिखो यहाँ पर, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 कर दो क्योंकि प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, अब इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो बहुत ध्यान से देखो। अब टोटल हमारे कितने शेयर थे याद करो? 50,000। 50,000 में से 200 तो एक फॉरफिट हो गए, 100 एक फॉरफिट हो चुके, ये करें 100, तो बच कितने गए आज हमारे पास? 49,700 से बनेगी अब कॉल।
फॉरफिट का मतलब उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो चुकी है, तो उनसे तो कोई कॉल बननी नहीं। बचे कितने शेयर हमारे पास 49,700, इनसे बनाओ। यहाँ लिखो 49,700 कितने की है फाइनल कॉल, 3 रुपी। ये देखो ये लिखी हुई है रही 3। और उसके बाद यहाँ लिखो 49,700 इंटू ये तो 2 आएगा शेयर कैपिटल में। कैसे पता चला? प्रीमियम कितना दिखा रहा है, 2 रुपी, तो 1 रुपी शेयर कैपिटल का पार्ट है, वो तो यहाँ लिख दो। और 49,700 इसमें लिख दो 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करो, ऊपर करते हो तो 150 उसमें से 9 हटा दो, 1,49,100 ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो अभी ड्यू की एंट्री हुई है। अब यहाँ पर इसकी नरेशन बनाओ, नरेशन के अंदर लिख दो फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 49,700 शेयर्स। अब ये फाइनल कॉल की मनी जरा अच्छी तरह से नोट करना कैसे आएगी। एक तो माधव के आपको मिलेंगे नहीं अमाउंट, एक गिरधर के नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों के एडवांस आ गए। यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और जब आप एडजस्ट करते हो एडवांस मनी को तो कॉल चेन एडवांस को डेबिट करते हैं, ध्यान रख लेना। यहाँ लिख दो कॉल चेन एडवांस अकाउंट, 3 ही इसलिए कॉल चेन एरियर आएगा ही नहीं। और 2 कर दो यहाँ पर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे आएगा नोट करो, शेयर सेकंड कॉल में तो इतनी अमाउंट लिख दो 1,49,100, लेकिन इतनी मिलेगी नहीं आपको। क्यों नहीं मिलेगी वो भी सुन लो। ये देखो 1,49,000 में एडवांस आए हुए हैं किसके, 1,200 तो आए हुए हैं आपके माधव के। कैसे पता चला? 400 × 3 करो तो 1,200 ऑलरेडी अलॉटमेंट पे आ गया था, ये लिखो। प्लस जो गिरधर के 300 शेयर की भी एडवांस दी थी 900, वो लिखो या 9। तो टोटल कितना आपको नहीं मिलेगा, 2,100 तो मिलेगा ही नहीं। ये चीज क्लियर है? अब अमाउंट कितना आएगा, 1,47,000 ये रिसीव्ड होगा, ध्यान रख लो। ये कैसे आया, 149 कॉल करा था, 2,100 उसमें से मिलने नहीं है, माइनस कर दोगे तो 147 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो बन गई हमारी फाइनल कॉल तक की एंट्री। अब करते हैं इनको रीइशू। जिस किसको रीइशू करना है, एक तो गोपाल के 200 शेयर है और एक कृष्णा के 300, उसकी एंट्री पास करते हैं। चलो भाई अब करते हैं रीइशू। रीइशू में देखो किस किस के थे, 200 और 100, टोटल हो गए 300। कितने रुपए में रीइशू है, 9 रुपी। क्लियर मेंशन है, फुल्ली पेड अप, यानी कि 10 का शेयर बना दिया। एंट्री लिखो यहां पर, रीइशू के टाइम पे मनी आ रही है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लिख दो। और 2 करो स्पेस देके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यह आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो डिस्काउंट आपने दिया 1 रुपी, एक तरीके का लॉस है ये। अमाउंट कैसे आएगा, अब अमाउंट देख लो, टोटल शेयर हो गए 300 इंटू करो 10, फुल्ली पेड अप है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, ये तो 3,000 आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा कितने में रीइशू किया, 9 रुपी, क्लियर मेंशन है, तो 300 इंटू 9 कर दो, ये कितना आ जाएगा 2,700। कितने का लॉस हो गया, उसी को डिस्काउंट बोल दो या लॉस, वो 3 1 रुपी का। कैसे पता चला, 10 वाला शेयर 9 में रीइशू हुआ, तो 1 रुपी का डिस्काउंट है 1 शेयर पर, 300 पे कितना हो गया 3। अब इसकी नरेशन लिख दो, 300 फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। इसकी फाइनल एंट्री पास करते हैं कैपिटल लेजर की, लिखो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर। पहले तो यहाँ लिखते हैं ये एंट्री बनती कैसे थी, थोड़ा याद करो, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट आपको बताया था, अच्छी तरह से नोट करो, समझ गए? प्रॉफिट माइनस लॉस लिखेंगे यहाँ, तो शेयर होल्डर को एक तो गोपाल, गोपाल का प्रॉफिट लिखेंगे क्योंकि ये दोनों का लॉस है, याद रख लेना 300, गोपाल का भी और कृष्णा का भी, तो दोनों का प्रॉफिट लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा अच्छी तरह से समझा देता हूँ आपको। ये तो गोपाल से मनी रिसीव्ड हुई है और ये कृष्णा से आया हुआ है फोर फीचर में, अच्छी तरह से नोट कर लो इसको। कितना अमाउंट आया है दोनों से लिखो, गोपाल के 200 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन दी थी और कुछ नहीं, एप्लीकेशन में प्रीमियम आ गया था, तो गोपाल से तो आए 2 रुपी हटा दो, 2 रुपी आया, 2 × 200 करो, गोपाल से तो आ गया आपके पास 400 रुपी। क्लियर है? और कृष्णा से कितना आया था, कृष्णा के शेयर हैं 100 ईयरी, उसने आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 दे रखी है, 10 रुपी दे रखा है, 10 में 5 प्रीमियम है वो तो इग्नोर, तो 5 रुपी उससे आया हुआ है। ये रहा दोनों का मिलाकर आपको कितना बन गया 900, ये एक तरीके का प्रॉफिट बन गया, ध्यान रख लो। और जब इनको रीइशू करा तो लॉस कितना दिख रहा है आपको 300 का, ये रहा ये 300, माइनस कर दो, ये अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लिख दो 600। ये था ये क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चनों में से था। नरेशन बना दो, गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से था, क्योंकि 2 शेयर होल्डर फेल करते हैं एक ही क्वेश्चन में और 2 कॉल्स इन एडवांस करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आज हमारा अभी ये 85 तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट में 86 से स्टार्टिंग करेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।